किसी ने इमरान खान से बोला कि हाउडी मोदी के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। इसमें इमरान खान का जवाब आया कि ये कोई बात थोड़ी होती है, इससे तो कई ज्यादा लोगों से हमारे देश ने उधारी ले रखी। नमस्कार, जय हिंद। मैं रौनक हूं और आप पंतंत्र देख रहे हैं। अमेरिका में हुआ हाउडी मोदी इवेंट ये सब ने देखा, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। ये वो इवेंट है जिसमें बदले हुए भारत की तस्वीर ही नहीं दिखी बल्कि इमरान खान की भी एक तस्वीर दिखी जिसमें वो कह रहे थे, जो मैं कर सकता था मैंने किया। कायदे से देखा जाए तो दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जिनकी वजह से भीड़ आती है और दूसरे वो जो भीड़ का हिस्सा होते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच यही बड़ा अंतर है। मतलब हमारे लड़के को देखने के लिए जितनी भीड़ आ जाती है उससे आधी तो इनकी आबादी है। जिस रेड कारपेट पर मोदी से मिलने एक दर्जन से भी ज्यादा अमरीकी अधिकारी आए थे, वहीं इमरान खान को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर सिर्फ उन्हीं की एम्बेसी के दो चार लोग गलती से ओला करके पहुंच गए थे, वो भी शेयरिंग। इससे ज्यादा लोग तो खुद उनके देश में प्लेन देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान में प्लेन की इज्जत उनके पीएम से ज्यादा है, बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को जो रेड कारपेट मिला था वो इतना लंबा था कि अगर वो पूरा फैला देते तो वहां से लाहौर तक के चला जाता। और उनके पीएम को जो दिया था रेड कारपेट वो इतना छोटा था कि इससे बड़ा तो हमारे घर के बाहर वेलकम स्वागतम लिखा हुआ मैट होता है। उधर किसी ने इमरान खान को बोल दिया कि हाउडी मोदी के लिए 50,000 से ज्यादा लोग आए थे। इस पर इमरान खान का जवाब था कि ये कोनो बात थोड़ी होती है भैया, इससे ज्यादा लोगों से तो हमारे देश ने उधारी ले रखी है। यही एक बड़ा फर्क है हम दोनों देशों के बीच। हमारा प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल में गिरी हुई फूल की अगर पत्ती भी उठा लेता है ना तो ये वर्ल्ड न्यूज बन जाती है, हमारे देश की इज्जत आसमान में पहुंच जाती है। वहीं उनका पीएम अपने देश की गिरी हुई इज्जत भी नहीं उठा पाते। वैसे भी पीएम मोदी काफी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, कई बार तोड़ चुके हैं। वैसे प्रोटोकॉल दूसरी चीज है जो पीएम मोदी सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। पहली चीज वो सबसे ज्यादा तोड़ते हैं वो है, वो आप पाकिस्तान से पूछिए या फिर अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। इमरान खान और मोदी के यूएस विजिट में एक चीज कॉमन ये थी कि दोनों ही कश्मीर के मुद्दे पर बात करने गए थे। फर्क बस इतना था कि एक रोने गया था और दूसरा रुलाने। वैसे भी मोदी पिछले दिनों में ट्रंप से इतनी बार मिल चुके हैं कि जितनी बार इमरान खान अपनी बीवियों से नहीं मिले हैं। किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। देश में मोदी की खेलो इंडिया योजना अमेरिका पहुंचते पहुंचते पेलो इंडिया योजना बन गई। मतलब टेररिज्म पर बात करते हुए बिना नाम लिए पाकिस्तान को जो संदेशा दिया गया ना भैया, वो इमरान खान के उस कमरे में भी संदेशा जाकर पहुंचा जहां पर वो चार अमरीकी अधिकारियों के साथ ये चर्चा कर रहे थे कि अपने गधों को कैसे बेचेंगे। वैसे इस इवेंट में अमरीका को भी इंडिया की ताकत के आगे झुकना पड़ा है, ये पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल अमरीका में चुनाव नजदीक है और डोनाल्ड ट्रंप को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, और हम इंडियंस होते ही ऐसे हैं, हमारे बिना तो गिनती 9 से आगे नहीं बढ़ती। जीरो किसने दिया, यहाँ तो प्रेसिडेंट बनना है। मोदी ने डिफेंस, बिजनेस और ट्रेड के मामले में अमरीका को बहुत से पॉइंट्स पर अपनी बात मनवा ली। वैसे भी जब ट्रंप ने खुद को बिजनेसमैन बोला था कि हम बिजनेसमैन है, तब मोदी ने बोला था हम गुजराती है, और दुनिया जानती है कि बिजनेसमैन गुजराती हो ना हो लेकिन एक गुजराती हमेशा दिमाग से बिजनेसमैन जरूर होता है। वैसे अच्छा हुआ कि मोदी के साथ अमित शाह अमरीका नहीं गए थे, नहीं तो अगला हृदय परिवर्तन ट्रंप के विधायकों का हो जाता। वैसे एक बात बताइए, आपके हिसाब से दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन ना, किम जोंग, ये कौन है? इन तीनों से ज्यादा ताकतवर अगर आज के टाइम पर कोई है तो ये बच्चा है जिसने एक ही सेल्फी में मोदी और ट्रंप को कैद कर लिया। आने वाले टाइम में इस लड़के से ज्यादा ताकतवर मैं कह रहा हूं कोई नहीं होगा। भाई लोगों के तो चचा विधायक होते हैं, इस लड़के के तो सीधा प्रेसिडेंट और पीएम। इस फोटो के दम पर वो क्या नहीं कर सकता आज के टाइम पर? ईरान को धमका के वो तेल खरीद सकता है। इस फोटो के दम पर वो सीना ठोक के कह सकता है कि $23 trillion अपनी जेब में लेकर घूमता हूं। भाई एक मिनट, 23 कैसे? 20 अमरीका के और 3 हमारे, हो गए 23। इस फोटो के दम पर वो इंडिया में अब की बार छोटू सरकार बोलकर चुनाव लड़ भी सकता है और राहुल जी को कंपटीशन भी दे सकता है। इस फोटो के दम पर वो पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है। इस फोटो के दम पर वो आधे यूरोप और ईस्ट एशिया को धमका सकता है। इसी फोटो के दम पर वो इमरान खान से गिद्दा भी करवा सकता है और इस फोटो के दम पर वो बगदादी से भी ओ साकी साकी रे साकी साकी पे नाच नचवा सकता है। वैसे अच्छा गाता हूं मैं। इस फोटो के दम पर वो पाकिस्तान के जनरल बाजवा से ये कह सकता है कि इतने बम मारेंगे कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाएगा। और ये इतना बड़ा स्टार बन चुका है ना ये लड़का कि अपने यूपी बिहार में आज के टाइम पे अकेले 20-40 ठो लड़कों को सरकारी नौकरी भी लगवा सकता है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि गली बॉय में कह रहे थे ना, जिसका टाइम आएगा, ये वही लड़का है जिसका टाइम आ गया।
मतलब ये लड़का इतना लकी निकला कि खुद लक ने ऊपर वाले से ये कह दिया कि मुझे इतना लकी क्यों नहीं बनाया प्रभु। मतलब कुल मिलाकर ये लड़का इस टाइम खुद ट्रंप और मोदी से भी बड़ा स्टार बन चुका है। मतलब इमरान खान से भी ज्यादा बड़ा वेलकम तो इस बच्चे को मिल गया। वैसे इमरान खान से याद आया कि मोदी के इस इवेंट के बाद इमरान की इतनी फटी कि कल इमरान खान ये बोलते हुए पाए गए, मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी। वैसे मोदी के इस इवेंट के बाद पाकिस्तान की सचमुच बहुत ज्यादा हो चुकी है और इतनी फटी है कि सिलने के लिए उनको धागा कम पड़ गया है। और पाकिस्तान की इतनी फटने के पीछे बताया जा रहा है चाइनीज अंडरवेयर एक बड़ा कारण है, क्यों आजकल उनके यहाँ सब कुछ चाइना से आता है। तो और पाकिस्तान की सचमुच इतनी फटी है कि एक बार तो खुद इमरान खान ने ये सोचा कि मोदी के सामने झुक जाते हैं, लेकिन बाद में उनको ख्याल आया कि पीछे तो अफगानिस्तान खड़ा है, वो लोग बड़े शौकीन भी होते हैं। पाकिस्तान की सचमुच इतनी फटी है कि इस दुख में इमरान खान ने चार टिका ली है, जिसके बाद वो ऐसे गिरे जैसे उनके देश की इकोनॉमी। एक अंदर की खबर यह भी आ रही है कि जनरल बाजवा इस इवेंट को देखने के बाद ऐसे बेसुध होकर गिरे, ऐसे बेसुध होकर गिरे जैसे ये देवी जी गिरी हैं। जैसे दिखाओ भाई जरा। मतलब पाकिस्तान की इतनी फटी है इस हाउडी मोदी इवेंट के बाद कि सुबह से ही फवाद चौधरी अपने फोन पर मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से ये लूप पे सुन रहे हैं। और पाकिस्तान की इतनी फटी है कि इमरान खान खुद अपना रूप बदल कर हाउडी मोदी इवेंट में जय श्री राम बोलते हुए पाए गए। वीडियो दिखाओ। नमस्ते हरी वाणी जय श्री राम जय श्री राम। तो आप भी जोर से बोलिए जय श्री राम जय जय श्री राम। और ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में भी जरूर लिखिए जय श्री राम। शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल, बेल आइकन भी जरूर दबाएं और कावेरी कॉलिंग का लिंक दिया हुआ है इस पे डोनेट भी जरूर करें, पेड़ जरूर लगाएं। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद और एक बार जय श्री राम।